नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल क्रिक आकाश। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो फुल्ली डेडिकेटेड है MS धोनी के ट्रोलर्स के लिए, MS धोनी के जो भी हेटर्स हैं उनके लिए। आप ये वीडियो पूरी लास्ट तक जरूर देखें, आपको इस वीडियो में करारा जवाब देने वाला हूं। सेमीफाइनल में इंडिया के हारने का इतना दुख नहीं हुआ जितना कि ये ट्रोलर्स के ट्रोल करने पर हो रहा है। ये जब से सेमीफाइनल खत्म हुआ है, 2 दिन से FB, इंस्टाग्राम और जो भी अदर सोशल साइट्स हैं उनके ऊपर केवल और केवल MS धोनी दिख रहे हैं और उनको ट्रोल किया जा रहा है इस तरीके से। मतलब मुझे आप लोगों की मेंटलिटी समझ में नहीं आ रही बिल्कुल भी, कि आप लोग कैसा ऐसे कैसा सोच सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा करियर अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए पूरा डेडिकेट कर दिया, इतनी डेडिकेशन के साथ खेला, इंडियन क्रिकेट को कहां से कहां पहुंचा दिया, 2004 से लेकर आज तक कहां से कहां पहुंचा है इंडियन क्रिकेट। टेस्ट में नंबर 1, वनडे में नंबर 1 और न जाने कितने रिकॉर्ड्स, तीनों ICC के टूर्नामेंट्स जितवा के दिए आपको, रोहित शर्मा जैसा ओपनर दिया इंडिया को, और आप ऐसे प्लेयर के लिए इस तरीके से ट्रॉलिंग कर रहे हैं। मतलब थोड़ा तो सोचिए करने से पहले, और वो भी एक मैच के लिए। अगर धोनी के पिछले रिकॉर्ड्स उठा के देख लिए जाए तो 50 में से 47 बार जब धोनी नॉट आउट रहे तो मैच को जितवा के दिया है, उसमें केवल एक बार ऐसा हुआ है कि जब मैच टाई रहा है, और 2 बार केवल हार हुई है। 50 में से 47 बार परसेंटेज निकाल के आप देख लीजिए कितना हो रहा है। और धोनी की सबसे बड़ी अचीवमेंट मालूम है क्या है? धोनी की सबसे बड़ी अचीवमेंट तो यही है कि जब सेमीफाइनल में 92 पर 6 विकेट हो गए थे, तब पूरी जनता जो है 125 करोड़ जनता यही यही उम्मीद लगाए बैठी थी कि बस MS धोनी मैच जितवा के देंगे। इससे बड़ी अचीवमेंट तो किसी के लिए हो नहीं सकती, किसी और प्लेयर से ऐसी उम्मीद क्यों नहीं थी। मतलब आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि अगर आप लोगों को गद्दार भी कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस तरीके से ट्रॉलिंग कौन करता है? अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया MS धोनी की तरफ से कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि MS धोनी इस वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट ले सकते हैं, अगर वो फाइनल जीत जाते या कुछ ऐसा होता तो शायद ले सकते थे। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं आया, लेकिन आप लोगों ने कर करके पोस्ट FB और इंस्टाग्राम पर कि वी मिस यू धोनी, आपका ये लास्ट मैच था, हम आपको मिस करेंगे, और आपने ये कर दिया वो कर दिया। मतलब क्या है ये? इतना फ्रस्ट्रेटेड हूं मैं कि पूछिए मत। चाहे मुझे आप कट्टर फैन कह लीजिए धोनी का, या जो भी है वो कह लीजिए, हमेशा कभी भी किसी भी टीम को सपोर्ट करिए, किसी भी गेम को सपोर्ट करिए, तो एज अ विनिंग टीम सपोर्ट मत करिए। आप टीम को सपोर्ट करिए, जीती हुई टीम को सपोर्ट मत करिए। जीत में भी साथ में रहिए, हार में भी साथ में रहिए, अगर किसी टीम को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो। ऐसे वक्त में जब टीम को हमारे साथ की जरूरत है, तब आप लोग इस तरीके से ऐसे बिहेव कर रहे हैं, इस तरीके के आप लोग ट्रॉलिंग कर रहे हैं। और ट्रॉलिंग एक प्लेयर की क्यों कर रहे हैं? टॉप 3 के बल्लेबाज एक एक रन पर आउट हो गए, आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। एक ऐसा प्लेयर जो जिसकी वजह से मैच यहां तक पहुंचा, लास्ट स्टेज तक लेके आ पाए मैच को, वरना 100 रन के अंदर टीम पूरी खत्म हो जाती। 100 रन से मैच हारने वाले थे सेमीफाइनल का, लेकिन आप लोग पता नहीं किस मेंटेलिटी के लोग हैं, इस तरीके के पोस्ट करते हैं। आपको ये नहीं लगता कि किस इंसान के बारे में लिख रहे हैं? इतना कुछ दिया है इंडियन क्रिकेट को, कहां से कहां पहुंचा दिया। आप लोग देख लीजिए, व्यूज देख लीजिए लोगों के, बड़े बड़े लीजेंड्स क्या कहते हैं इस प्लेयर के बारे में। इन फोटो को देख लीजिए कि बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं वो क्या कहती हैं। ऐसे प्लेयर सदी में एक बार आते हैं, दोबारा नहीं आते ऐसे प्लेयर। और ये चीज आप लोगों को बहुत जल्द मालूम हो जाएगी, धोनी के जाने के बाद अगर धोनी की कमी महसूस नहीं होती तो आप लोग जरूर देखिएगा टीम इंडिया किस तरीके से स्ट्रगल करने वाली है। यार कम से कम इतना तो सोचो कि किस प्लेयर के बारे में बोल रहे हैं, किस तरीके की कमेंट करनी चाहिए। और आप लोग ऐसी कमेंट्स करके क्या साबित करना चाहते हैं कि आप लोगों को ज्यादा दुख है सेमीफाइनल में हार का, टीम इंडिया के वर्ल्ड कप से बाहर हो जाने का? उन लोगों को हम लोगों से ज्यादा दुख है, टीम इंडिया को ज्यादा दुख है, ऑडियंस से ज्यादा, दर्शकों से ज्यादा टीम इंडिया को दुख है। लेकिन वो इस तरीके से FB और इंस्टाग्राम पर तो बयां कर नहीं सकते। और आप लोगों का क्या है, जीत गए तो पटाखों के साथ स्वागत, और हार गए तो फिर इस तरीके से पोस्ट करोगे, गालियां दोगे।
ये वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था मेरा, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। 2 दिन से मैं बिल्कुल भी डिमोटिवेट हूं, इस तरीके के जो पोस्ट देख रहा हूं FB पर, इंस्टाग्राम पर, और तरह तरह के मीम्स, व्हाट्सएप पर भी ऐसे वीडियोज आ रहे हैं, और इस तरीके से ट्रॉल किया जा रहा है MS धोनी को, एक ऐसे लीजेंड को। आप लोग बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नाम की चीज ही नहीं रही आप लोगों के अंदर, एज अ प्लेयर जो आपकी टीम को, कम से कम आपके इंडियन कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, कम से कम एज अ प्लेयर, एज अ इंडियन तो सपोर्ट करिए। अगर धोनी अभी रिटायरमेंट ले लेते हैं तो उनको पता नहीं कितने टीम से खेलने का ऑफर आता है, मालूम है आपको? आप लोग देख लीजिए न्यूजीलैंड का ये स्टेटमेंट, मतलब आता क्रिकेट का सी भी नहीं है, लेकिन ट्रॉलिंग करेंगे ढंग से। फैन होना अच्छी बात है, किसी दूसरे दूसरे प्लेयर के आप फैन है अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से ट्रॉल करने का आपको बिल्कुल भी नहीं हक है किसी भी खिलाड़ी को। जिस तरीके से आप लोग जीत में साथ होते हैं, उसी तरीके से मैं चाहूंगा कि आप लोग हार में भी साथ हो। अगर नहीं भी होते हैं तो प्लीज करके इस तरीके से ट्रॉलिंग मत करिए, प्लीज आप लोगों से मेरी ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की ट्रॉलिंग बिल्कुल भी मत करिए। और संन्यास अगर लेना होगा तो धोनी खुद लेंगे। इस तरीके से आप लोग स्टेटमेंट पोस्ट लिख रहे हैं कि क्या आप धोनी को संन्यास लेना चाहिए, क्या हार की वजह कौन है, क्या धोनी का धीमी रन रेट की वजह से, धोनी ने ज्यादा गेंदें खराब कर दी, जडेजा शेर है, धोनी पता नहीं क्या है, इस तरीके से आप लोग लिख रहे हैं। क्या सोचा है कभी, अगर धोनी रिटायरमेंट लेते भी हैं, आप लोग एक बात ध्यान रखिए, अगर धोनी रिटायरमेंट लेते भी हैं तो क्या इस तरीके से एक ऐसे प्लेयर को आप लोग फेयरवेल देंगे, ऐसे अंतिम समय में जब धोनी को आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, टीम इंडिया को आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, तब आप इस तरीके से ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरीके के पोस्ट लिख रहे हैं? क्या ये पोस्ट वो लोग नहीं देख रहे? मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करके फैला दो, उन हेटर्स तक ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए। जो लोग ऐसा ट्रोल कर रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं, जरूर उनके पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए आप लोग, और कितना भी ट्रोल कर लो, जो एबिलिटी है धोनी के अंदर, जो उसकी क्षमता है, उसको आप लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। मतलब एक मैच में अगर फेल हो गया तो इस तरीके से, अगर इस वीडियो को मैं 12 घंटे तक भी बनाऊं और धोनी की अचीवमेंट्स को गिनाऊं तो वो खत्म नहीं होंगी। चाहे आप लोग मुझे धोनी का कट्टर फैन कह लें या फिर कुछ भी कह लें, मैं एज अ कट्टर फैन ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहता हूं कि आप किसी भी प्लेयर को, मैं धोनी की बात नहीं कर रहा हूं, जिसने भी इंडियन कंट्री को रिप्रेजेंट किया, आप किसी के बारे में इस तरीके की ट्रॉलिंग नहीं कर सकते। आपको कोई हक नहीं है ऐसी ट्रॉलिंग करने का, इस तरीके के शब्द यूज करने का। पहले वहां तक पहुंच के दिखाओ, इतनी मेहनत करके दिखाओ, उसके बाद इस तरीके की अगर आप बयानबाजी करते हो तब। इससे पहले संजय मांजरेकर ने रविंद्र जडेजा के ऊपर कुछ बयानबाजी की थी और देखिए क्या करारा जवाब दिया सेमीफाइनल में रविंद्र जडेजा ने। पता नहीं आप लोगों की मेंटेलिटी समझ में नहीं आती, किस तरीके से आप लोग देखते हैं मैच को, क्रिकेट को, किस तरीके से आप लोग। मैं 2 दिन से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में, मुझे बहुत ही ज्यादा इस बात का दुख हुआ है कि मैं जब भी फेसबुक मेरा ऑन ही करने का दिल ही नहीं होता, जब मैंने 2 दिन से ये देख रहा हूं, पहले दिन से, जिस दिन से सेमीफाइनल हारे हैं टीम इंडिया, बस यही क्वेश्चन आ रहे हैं, हार का जिम्मेदार कौन, क्या धोनी को संन्यास लेना चाहिए। यार आप लोग डिसाइड करेंगे धोनी को संन्यास लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैच किसने हरा दिया? धोनी ने हरा दिया, धोनी के धीमे रन रेट ने हरा दिया। धोनी को संन्यास ले लेना चाहिए, धोनी का आखिरी वर्ल्ड कप है, धोनी का आखिरी मैच है, धोनी को खेलना ही नहीं आता। किसी भी प्लेयर के ऐसा फेयरवेल मत करिए आप लोग। आगे से मैं बता रहा हूं, एक भी धोनी आने वाला है नहीं इस टीम में, कोई जगह नहीं भर सकता धोनी की। और उस टाइम पर कहोगे जब आगे धोनी टीम में नहीं होगा, जब टीम को जरूरत होगी फिनिश करने की मैच, तब कहोगे कि अगर धोनी होता तो अच्छा होता, धोनी ने संन्यास क्यों ले लिया। बहुत ज्यादा दुख हुआ मुझे ये सब चीजें पढ़ के, और मुझे जब इतना दुख हो रहा है तो सोचिए MS धोनी को कितना ज्यादा दुख हो रहा होगा इस तरीके की पोस्ट पढ़ने के बाद। क्या गुजर रही होगी उनके दिल पर कि इतना कुछ करने के बाद टीम इंडिया के लिए इस तरीके का, क्या यही डिजर्व करता है ऐसा प्लेयर? अगर इतना कुछ करने के बाद ऐसा डिजर्व करता है प्लेयर, तो वो नहीं चाहेगा कि ऐसा कभी वो इंडिया के लिए खेले, या फिर इंडिया, इतनी मेहनत, कितनी मेहनत होती है टीम इंडिया तक पहुंचने के लिए, टीम इंटरनेशनल मैच एक खेलने के लिए कितनी मेहनत होगी आप लोग नहीं समझोगे।
आप लोग बस मोबाइल पर ट्रॉल करना जानते हो, पोस्ट करना जानते हो बैठे बैठे अपने घर के अंदर। जिस दिन इतना कुछ अचीव कर लेना, इसका 1% भी अगर अचीव कर लेना, तो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझना। खैर जाने दो, अब कोई बात ही नहीं करनी।